दमोह जिले के पथरिया रेलवे स्टेशन पर देर शाम चार स्कूली छात्र अपने बैग लिए रोते हुए पाए गए। स्थानीय युवक द्वारा इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी गई, जहां इन बच्चों ने बताया कि कुछ बाबाओं ने उन्हें प्रसाद खिलाकर बेहोश कर दिया था और बाद में पथरिया लाकर छोड़ दिया। जब दमोह में इन बच्चों से पुलिस ने पूछताछ की तो पूरी कहानी मनगढ़ंत निकली। सागर जिले के खुरई से चार बच्चे महेंद्र सिंह, समीर, संजय एवं पवन सुबह लापता हो गए थे तो परिजनों ने उन्हें जगह जगह तलाशा, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम दमोह जिले के पास पथरिया रेलवे स्टेशन पर स्थानीय युवक गोलू पटेल को ये बच्चे रोते हुए मिले। उसने इसकी सूचना रेलवे पुलिस को दी, जिसके बाद पथरिया रेलवे पुलिस द्वारा बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जब वो एक्स्ट्रा क्लास की कोचिंग करने के बाद जा रहे थे तो बाबाओं ने उन्हें नारियल के रूप में प्रसाद दिया, इसके बाद उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा। रेलवे पुलिस ने एक बच्चे से मिले मोबाइल नंबर पर जब संपर्क साधा तो वह उसके परिजनों का निकला और उसे घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद बच्चों के परिजन राज्य रानी एक्सप्रेस से पहले पथरिया, उसके बाद दमोह पहुंचे, जहां रेलवे पुलिस ने बच्चों को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने जब बच्चों से पूछताछ की तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। बच्चों का कहना था कि उन्होंने मिलकर एक कहानी बनाई और खुरई से पथरिया घूमने के लिए निकले, लेकिन जब वो पथरिया पहुंचे तो घबरा गए और रोने लगे। इसके बाद उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाकर रेलवे पुलिस को बता दी। ये लोग कोचिंग की कह के निकले थे घर से, कोचिंग जा रहे हैं, तो कोचिंग गए, फिर उधर से एक्स्ट्रा क्लास गए स्कूल पहुंचे। स्कूल के बाद हम लोग ने पता करा उधर पे कि बच्चे नहीं है स्कूल में। 10:30 बजे स्कूल से जो निकले बाहर, फिर इनको मालूम नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। पता पड़ रहा है कि शनि मंदिर के इधर वो प्रसाद दिया गया। आप लोगों को कैसे जानकारी मिली? बच्चे बता रहे अभी। आपको जानकारी कहाँ से मिली कि बच्चे यहाँ पथरिया में मिले हैं? जिधर से फोन गया था पुलिस वालों का। कितने बजे घर से निकले थे बच्चे? 7 बजे सुबह। कहाँ की बोल के गए थे? कोचिंग की कह के गए। कहाँ रहते हैं खुरई में ये? नानकबाद। कोचिंग के लिए गए थे, बोल के कि एक्स्ट्रा क्लास जाना है स्कूल में, तो भेज दिया। सो अब थोड़ी ना मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब 11 बजे तक आए नहीं है, तो फिर सोच रोज जाते थे 7 बजे तक, तो सोचा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा। क्या कैसे मालूम चला आपको? जी हाँ, पथरिया से फोन गया था कि कहाँ चले गए थे ये बच्चे, कौन लेके गया था इन्हें? ये तो नहीं बता सकते, पता ही नहीं क्या। आपको कितने बजे बच्चे मिले हैं? हमको अभी आई ट्रेन से राज्य रानी से तो मिले बच्चे। कौन कौन बच्चे थे, क्या क्या नाम है उनका? संजय और मयंक, दोनों दो जन का पता नहीं है, दो साथ में। कहाँ रहते हैं ये? ऑफिस खुरई, ऑफिसर कॉलोनी और और इक्यावन 633 को मैं पास कराने के पश्चात में गश्त किया था पूरे प्लेटफार्म पर। उस समय एक बच्चा आया दौड़ के मेरे पास, उसका नाम है गोलू पटेल पथरिया का। तो सर जी आज 3-4 बच्चे यहाँ लावस जैसे लगे हुए हैं, हमको थोड़ा चेक कर लें। तो मैं गया और उनको देखा, पूछताछ किया, तो मुझे इन लोगों ने बताया कि मैं एक महात्मा ने मुझे 9 बजे करीब खुरी में और मुझे कुछ उसमें प्रसाद में नारियल में और मुझे भोजन जैसे दिया, वहाँ से हम बेहोश हो गए और हम इधर आ गए। और कैसे आए ये हमको कुछ जानकारी नहीं है। मैंने कहाँ के रहने वाले? तो हम खुरई के रहने वाले, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। हमने स्टेशन अधीक्षक को कार्यालय में लेकर के आ गया हमें, वहाँ जा कर और पूछताछ किया। तो मैंने उनके नंबर पूछा, आपका घर का परिजनों का कोई मोबाइल नंबर वगैरह कुछ है? तो उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने उसी नंबर के आधार पर उनको सूचना दिया। तो घर वाले तुरंत जो पहली गाड़ी थी राजरानी, उसी से वो वापस आए थे। फिर वहाँ से मैं पथरिया से मैं अपने सूचना दी अपने अधिकारियों को कि यहाँ ऐसी घटना घटी है, तो मैं उनको उन्होंने आदेश किया कि आप यहाँ लेकर के आ जाइए, तो हम उस पर नाम दे देंगे। ड्यूटी पर एक प्रधान आरक्षक महक सिंह तैनात थे, उन्होंने सूचना दिया था कि 4 बच्चे हैं जो 7वीं 8वीं क्लास के पढ़ने वाले हैं, वो हमें कुछ ऐसे संदिग्ध रूप में दिखाई दी। तो फिर उनको सूचना हमने दिया कि उनको चारों को लेकर आए, लेकर वो यहाँ पर आए। जब उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने, चारों बच्चों ने कबूल किया कि हम लोग घूमने का प्रोग्राम बनाया और खुरई से 8 बजे की पैसेंजर रहती थी, उससे आकर पथरिया में उतर गए। पथरिया में घूमते हुए शाम को ये हमारे स्टाफ के हाथ में आए।
तब उनसे पूछताछ करके इनके परिजनों को सूचित किया, परिजन भी साथ में आ गए हैं, उनको स्वास्थ्य कुशल उनको सुपुर्द किया जा रहा है। दमोह से ग्राउंड रिपोर्ट और विवेक सेन की रिपोर्ट।